रूस में सिर्फ पुतिन के करीबी मेदवेदेव का ही गुस्सा नहीं भड़का है, बल्कि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के बाद रूस में दूसरे लोग भी बुरी तरह भड़के हुए हैं। रूस के मीडिया के मुताबिक वहां की संसद के स्पीकर ने तो मांग कर डाली कि पुतिन को यूक्रेन पर अब परमाणु अटैक कर देना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। रूस की संसद के स्पीकर विजेस्लाव वोब्जिन ने सोशल मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लिखा कि रूस को अब कीव के आतंकवादी शासन को रोकने और उसे खत्म करने में बड़े हथियारों का बिना देर किए इस्तेमाल कर देना चाहिए। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि विजेस्लाव वोब्जिन किस तरह के हथियारों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा परमाणु हमले की तरफ था, क्योंकि एक रोज पहले जब से पुतिन के घर क्रेमलिन पर ड्रोन हमला हुआ तब से जेलेंस्की पैलेस पर भी हमले की मांग उठने लगी है। रूस ने तुरंत बयान जारी कर इसे एक आतंकवादी घटना बताया और रूस ने दावा किया कि ये यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति पुतिन को मारने की एक साजिश थी जिसे रूस की सेना ने नाकाम कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले पर सफाई दी और कहा कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रूस को यूक्रेन की ये सफाई पच नहीं रही। वहां सभी का मानना है कि अमेरिका और नेटो देशों के इशारे पर यूक्रेन की सेना ने पुतिन को जान से मारने के लिए ड्रोन भेजे थे। उसे लगने लगा कि चीन अब तक उसे जो धमकी दे रहा था वो सच होने जा रहा है और वहां लगातार मांग की जा रही है कि जेलेंस्की और उनकी सेना को इसकी सख्त सजा दी जाए। रूस के गुस्से का असर यूक्रेन में दिखने भी लगा है। कई इलाकों में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रूस के यूक्रेन से बदला लेने के ऐलान के बाद नेटो को बहुत बड़े खतरे का डर सता रहा है और उसने अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप को चेतावनी भी दे दी है। चेतावनी यह है कि रूस उनके आसपास मौजूद समंदर में हमला कर सकता है। नेटो के इंटेलिजेंस चीफ ने अंदेशा जताया कि रूस समंदर के अंदर बिछी केबलों के जाल को तबाह करने की फिराक में है। समंदर के भीतर मौजूद केबलों से ही दुनिया में इंटरनेट डेटा ट्रांसमिट होता है, वित्तीय लेनदेन और ऊर्जा भी इन केबलों के जरिए ही सप्लाई होती है। ऐसे में अगर रूस ने उन केबलों को ही काट दिया तो बिना गोली जलाए बिना मिसाइल गिराए वो अमेरिका और यूरोप का भट्टा बैठा देगा, क्योंकि अंडर सी केबलों के बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। यही वजह है कि नेटो को डर है कि पुतिन पश्चिमी देशों से यूक्रेन की जंग का हिसाब बराबर करने के लिए ऐसा हमला कर सकते हैं जिसकी आवाज तक नहीं होगी लेकिन चोट बहुत गहरी पहुंचेगी। रूस पहले से ही एक्शन मोड में था, वो आए दिन अपने परमाणु हथियारों की अकड़ दिखा रहा था, लेकिन क्रेमलिन पर हमले की कोशिश का दावा करने के बाद से तो वो अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए छटपटा रहा है। वो बदला लेने का खुला ऐलान कर चुका है। ऐसे में नेटो के इंटेलिजेंस चीफ की ये चेतावनी कि रूस समंदर के अंदर मौजूद केबलों को निशाना बना सकता है बहुत डरावनी है, क्योंकि अंडर सी केबलों को हमलों से बचाने का कोई खास इंतजाम नहीं है, इसलिए वो रूस का आसान निशाना बन सकती हैं। और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के पास ऐसे हथियार हैं जिनसे वो समंदर में मौजूद केबलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है और करोड़ों किलोमीटर लंबी ये केबलें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, दुनिया के हर कोने में हैं। अगर उन केबलों पर आंच आई तो फिर इंटरनेट बंद है, क्योंकि पूरी दुनिया का जितना भी इंटरनेट ट्रैफिक है उसका 95% हिस्सा समंदर के अंदर बिछी केबलों के जाल से ही गुजरता है। ये केबल नहीं रही तो इंटरनेट नहीं बचेगा और आज इंटरनेट के बिना गुजारा मुमकिन ही नहीं है। बिना इंटरनेट की दुनिया ही नहीं सोची जा सकती। और तो और दुनिया में रोजाना लगभग 10 लाख करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 817 लाख करोड़ रुपयों का जो वित्तीय लेनदेन होता है वो भी इन केबलों के जरिए ही होता है। ऐसे में रूस को अमेरिका और यूरोप पर परमाणु बम गिराने की जरूरत ही नहीं, वो अगर समंदर के अंदर बिछी केबलों को ही उड़ा दे तो अमेरिका और यूरोप दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। दोनों तरफ कोहराम मच जाएगा, लोग न कहीं पैसा भेज पाएंगे न ले पाएंगे, बड़े बड़े बैंक ठप पड़ जाएंगे और तो और दुनिया में क्या हो रहा है किसी के पास कोई जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। ऊपर से क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक की कोशिश के दावे के बाद से रूस के तेवर भी ऐसे हैं कि रोक सको तो रोक लो, उस पर रूस अगर समंदर के भीतर केबलों को काट भी दे तो उसे कसूरवार ठहराना भी टेढ़ी खीर होगा, क्योंकि इन केबलों को तो मछुआरों की नावों और भूकंप के झटकों से भी नुकसान पहुंच जाता है। यानी रूस हमला करके निकल जाएगा और अमेरिका मुंह देखता रह जाएगा। नेटो को रूस पर शक इसलिए भी है क्योंकि उसका कहना है कि पिछले कुछ साल के मुकाबले रूस की सेना अटलांटिक महासागर में ज्यादा एक्टिव हो गई है और अटलांटिक महासागर के एक तरफ अमेरिका है दूसरी तरफ यूरोप, दोनों पुतिन के दुश्मन है। नेटो का यह भी दावा है कि बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी में भी रूस की सेना की हलचल तेज हो गई है। ये दोनों समंदर भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। नॉर्थ सी ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में है और नॉर्वे, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस जैसे देश भी उससे लगते हैं। ये सभी देश नेटो के सदस्य हैं। एक साथ इतने शिकार पुतिन को कहां मिलेंगे। ऐसे में नॉर्थ सी पुतिन के लिए मोटा टारगेट तो है, वहां पुतिन का छोटा सा भी हमला इन देशों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। वहीं बाल्टिक सागर में तो जंग की शुरुआत से ही रूस के एक्शन के किस्से सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक सागर के इर्द गिर्द स्वीडन, फिनलैंड, खुद रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, पोलैंड यूक्रेन की मदद करने की सजा देना चाहते हैं। वो बस हमला करने के लिए सही मौका ढूंढ रहे हैं।
लेकिन पुतिन का समंदर की केबलों को तबाह करने का प्लान विश्व युद्ध भी भड़का सकता है, क्योंकि नेटो ने पिछले साल ये साफ कर दिया था कि अगर उसके किसी भी सदस्य देश के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो नेटो के संविधान का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका मतलब होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर उसके किसी एक भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो पूरे के पूरे मिलिट्री अलायंस पर हमला माना जाएगा और फिर पूरा नेटो अपने साथी की मदद के लिए उतर आएगा। ऐसे में अगर रूस ने अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन या किसी एक भी नेटो देश की अंडरसी केबल को निशाना बनाया तो नेटो के सभी 31 देश रूस पर टूट पड़ेंगे। हालांकि रूस के हमलों से निपटने के लिए नेटो ने बाजुएं चढ़ाई भी हुई हैं। उसने पिछले साल बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हुए धमाकों के बाद से अंडरसी केबलों की सुरक्षा के इंतजाम